सो so गाइज़ आपकी जो क्लोज रेंज फाइट्स होती हैं वो सारी डिपेंड करती हैं आपकी क्रॉस एयर के ऊपर और आपकी क्रॉस एयर की ट्रेसिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है आप सामने वाले बंदे को कितनी अच्छी तरह से ट्रेस कर पाते हो क्रॉस एयर के साथ और कितना ज़्यादा आपका एम एक्यूरेटली चलता है कितना क्रॉस एयर पर आपका कंट्रोल है सो so आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपनी क्रॉस एयर ट्रेसिंग कैसे अच्छी कर सकते हो जब सामने वाला बंदा मूवमेंट कर रहा है क्लोज रेंज में आपके आगे तो आप अपने क्रॉस एयर को कैसे स्टेबल कर सकते हो और सामने वाले के हेड को ईजिली टारगेट कर सकते हो जिससे आपका क्लोज रेंज एकदम बीस्ट हो जाएगा सो गाइज ये वीडियो दोनों जायरो प्लस नॉन जायरो प्लेयर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से प्लेयर हो जायरो प्लेयर हो या नॉन जायरो प्लेयर हो बिकॉज़ कंसेप्ट सेम है मेथड सेम है ट्रेनिंग सेम है और इसके ड्रिल्स भी सेम है सो so कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है सो so आज की वीडियो में वही क्लियर करूंगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस सो गाइस स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ क्रॉस एयर के बारे में सो so गाइस सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करने की अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आपको सिर्फ जायरो यूज करना है आपको अपने थम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्लोज रेंज में अपने मतलब क्रॉस एयर को कंट्रोल करने के लिए बिकॉज़ क्या होगा ना तो आपकी थम से एक्यूरेसी आएगी फिर ना तो आप जायरो से कर पाओगे अच्छी तरह सो so गाइस आपको एक चीज़ मास्टर करनी है अगर आप थम से कंट्रोल करना चाहते हो तो थम से कंट्रोल करो और अगर आप जायरो प्लेयर हो जायरो से कंट्रोल करते हो तो पूरी तरह जायरो से यूज़ करो अपने थम को यूज़ मत करो जब तक आपको नाइन्टी डिग्री या सिक्सटी या सेवेंटी डिग्री तक मुड़ना ना पड़े सो क्लोज रेंज में अगर आपको अपने क्रॉस एयर को कंट्रोल करना है तो आपको फुल जायरो पे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप जायरो प्लेयर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ जायरो जायरो को यूज करो क्लोज रेंज में बिकॉज क्या होता है gyro से एक तो फास्ट होता है और उसमें ज्यादा एक्यूरेसी होती है और सारे बड़े बड़े प्लेयर जिनका क्लोज रेंज अच्छा होता है वो सारे जायरो से कंट्रोल करते हैं और मैं खुद भी जायरो से कंट्रोल करता हूं बिकॉज थम से अगर आप यूज करोगे तो ना आप तो जायरो को मास्टर कर पाओगे ना ही अपने थम की एक्यूरेसी को आप बढ़ा पाओगे लेकिन अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आप सिर्फ अपने थम को यूज करो और अगर हो सकता है कि अगर आपने अपना फायरिंग बटन थम पे रखा है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है बिकॉज उससे आपका जो क्या होगा क्लोज रेंज जो क्रॉस एयर फाइट होगी वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी लेकिन अगर आप थ्री फिंगर प्लेयर हो और अपना मतलब पे यूज़ नहीं करते हो तो तब भी आपको क्या करना 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 है और अपने को करना है है अपने अपने को को यूज़ और क्रॉस एयर स्टेबल क्योंकि क्या होगा आप अगर दूसरी तीसरी चीजें यूज करने लगोगे तो आप दो चीजों के बीच में स्टक हो जाओगे तो ना आप एक चीज को अच्छी तरह मास्टर कर पाओगे ना ही दूसरी चीज को अच्छी तरह से मास्टर कर पाओगे सो क्रॉस एयर ट्रेसिंग के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि आपके क्रॉस एयर में स्टेबिलिटी कितनी है आप मूवमेंट जब करते हो आपका क्रॉस कितना ज्यादा स्टेबल रहता है और जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज्यादा आपकी बुलेट्स हैं वो सामने वाले बंदे को कनेक्ट करेंगी और स्टेबल तभी रहेगा जब आप उसको एक जगह पे कंट्रोल करना सीखोगे सो गाइज आप क्या होता है जब आप लोग मूवमेंट करते हो तो आप क्या करते हो साथ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जिगल करते हो लेकिन जो आपका क्रॉस क्रॉसेर होता है उस पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है वो मूवमेंट के साथ ही लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते रहते हो आप और सामने वाले बंदे को क्या होता है बुलेट कनेक्ट ही नहीं होती और इतनी ज्यादा बुलेट स्प्रेड हो जाती है कि उसके आजू बाजू से सारी बुलेट्स निकल जाती हैं सो गाइज उसके लिए आपने क्या करना है अपने क्रॉस एयर को काफी ज्यादा स्टेबल करने की ट्राई करनी है उसके लिए आपने यहां ट्रेनिंग जोन को मेंटेन करने की करनी है और साथ में आपको जिगल करना है या फिर आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हो वन साइड मूवमेंट या आपकी कोई भी फेवरेट मूवमेंट है वो करनी है लेकिन उससे होगा क्या आपका जो क्रॉस एयर एक जगह पर मतलब रखने की कोशिश करना उस रेड या व्हाइट या ब्लैक डॉट के सेंटर में रखने की कोशिश करना और मूवमेंट करना साथ साथ में उससे क्या होगा आपकी जो मसल मेमरी है वो डेवलप होती जाएगी और आपका क्रॉस एयर स्टेबल होता जाएगा फर्स्ट आपने ट्राई करना है वो करते वक्त आपने क्या करना है मैक्सिमम टाइम जो आपका जो क्रॉस एयर है वो सेंटर में ही रहे हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकती है ये चीज़, लेकिन एट्टी टू नाइनटी परसेंट आप ट्राई कर सकते हो कि वो आपके सेंटर में रही सामने उससे क्या होगा आपकी सारी बुलेट एक जगह पर कनेक्ट करेंगी और आपकी मसल मेमरी भी डिवेल्प हो जाएगी और साथ ही साथ आपका

खड़े होकर उसको अपने अगर जायरो प्लेयर हो तो जायरो से पूरा कंट्रोल करके उसके ऊपर क्रॉस एयर को प्लेस करने की कोशिश करनी है और ट्राई करना हेड के ऊपर प्लेस करने की सो so गाइज उससे क्या होगा जब आपके सामने कोई बंदा मूव करेगा ना तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी आपका जो क्रॉस एयर है वो स्टेबल होता जाएगा पहले आपने फर्स्ट बोर्ड पर ट्राई करना है फिर तो, उसके थोड़ी टाइम के बाद आपने सेकेंड बोर्ड पर ट्राई करना है फिर उसके थोड़े टाइम के बाद आपने थर्ड बोर्ड पर ट्राई करना है सो उससे होगा कि आपका क्रॉस एयर है जो स्टेबल भी होता जाएगा और आपकी एक्यूरे बढ़ती जाएगी जब आपके सामने कोई बंदा मूवमेंट कर रहा होगा तब सो गाइज फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बाद अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप है सो so गई इसमें क्या होता है हम लोगों ने अब फर्स्ट स्टेप में क्या किया सामने जो स्टेबल एनिमी था उसके ऊपर हमने कैसे क्रॉस एयर स्टेबल रखना है फिर सेकंड में हमने क्या किया अपनी मसल मेमरी को डिवेल्प किया कैसे हम क्रॉस एयर पे मतलब कंट्रोल पा सकते हैं अपना जायरो से या फिर थम से हम जिस मर्जी चीज से यूज करके कर सकते हैं कैसे मसल मेमरी को डिवेल्प कर सकते हैं और अपने क्रॉस एयर को स्टेबल कर सकते हैं सामने जब हमारे कोई मूव कर रहा होगा सो गाइज so सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब अब आ जाती है वो जो कि थर्ड पार्ट है उसमें

लेकिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है और काफी ज्यादा लोगों ने इस चीज को कभी ट्राई नहीं किया जिसकी वजह से उनका क्लोज रेंज है है वो ख़राब सो आपने सबसे पहले फर्स्ट बोर्ड ये ट्राई करनी है देन बोर्ड के ऊपर ट्राई करनी है उसके ऊपर पूरा जब वो लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट लेफ्ट लेके जाना है अपने क्रॉस एयर को जब वो राइट right जाएगा तो राइट right लेके जाना है और मेक श्योर sure करना आप हेड का एम रखो बिकॉज हेड पर डैमेज ज्यादा होता है और ये हम सबको ये चीज पता है सो so इससे क्या होगा इवेंचुअली आपका जो क्रॉस एयर है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपको खुद देखने को मिलेगा ये मैंने ट्रेनिंग खुद वन वीक तक की है उसके बाद जाके मुझे रिजल्ट्स देखने को

दस मैच खेलोगे तब जाके आपको अपने रिजल्ट देखने को जल्दी से जल्दी मिलेंगे आप दस से ज्यादा भी खेल सकते हो जितना आपके पास टाइम है उतना ज्यादा खेल सकते हो सो so गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको मैं शेयर करना चाहता हूं so guys, वो क्या है कि आप अगर गेम को छोड़ दोगे तो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी चीज़ पे पड़ेगा तो वो है आपका क्लोज रेंज के ऊपर सो गाइज आपको क्लोज रेंज के लिए दिन में एक दो टी डी एम एक दो टी डीएम खेलने जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता चलेगा कि आपका क्लोज रेंज अच्छा हो गया तो गाइज़ आपको डेली टी डीएम खेलना पड़ेगा बिकॉज़ क्या होता है अगर आप ग्राइंड छोड़ दोगे तो आपका क्लोज रेंज पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और किसी चीज़ में आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज देखो हम सबको पता होता है कि भाई क्राउच करना है अनक्राउच करना है सामने वाले बंदे को स्कोप ऑन करके मारना है लेकिन जो मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ होती है वो होती है क्लोज रेंज और क्लोज को अगर आप छोड़ दोगे खेलना तो आपका क्लोज रेंज वीक होगा आपने एक्सपीरियंस किया होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना बिकॉज मैं भी अगर दो दिन भी गेम छोड़ देता हूं मेरी मिड रेंज भी वैसे ही रहती है मेरा लॉन्ग रेंज भी वैसे ही रहता है लेकिन जो मेरा क्लोज रेंज होता है उसमें मुझे सबसे ज्यादा मतलब सीन होता है क्रिएट की थोड़ा खराब हो जाता है थोड़ी ट्रेसिंग खराब हो जाती है सो तो गाइज आपको डेली ये ट्रेनिंग करनी है जब तक आपका क्रॉस एयर स्टेबल नहीं हो जाता और मैं हंड्रेड परसेंट श्योरिटी देता हूँ आपका क्रॉस एयर इसके साथ स्टेबल होगा ही होगा चाहे जो मर्जी हो जाए बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ की है तो तभी मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं ऐसे फालतू में किसी के साथ कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ मैंने खुद ये ट्राई किया तब जाके अच्छा हुआ और मैं हंड्रेड गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपका भी अच्छा होगा लेकिन क्रॉस एयर के साथ जो होती है आपकी मूवमेंट भी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप कैसी मूवमेंट करते हो और आपको कौन सी मूवमेंट कहाँ पर करनी चाहिए तो अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना मैं उसके ऊपर हंड्रेड परसेंट वीडियो बनाऊंगा और अपनी बेस्ट वीडियो आपको ला के दूंगा जिससे आपकी मूवमेंट भी अच्छी हो जाएगी और क्रॉस एयर तो अब इस वीडियो के बाद अच्छा हो ही जाएगा सो यही था आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड लव ऑल